Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing very good and are in high spirits. I am Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series, we'll be covering some super important topics in Indian economy for UPSC, CSE, prelims plus mains. And our today's lecture will be on agriculture with crops, seasons, land reforms, and various color revolutions. Okay? So before starting the class, announcement, Arpita Sharma ma'am is taking live classes on Earn Academy Plus. You can use code SHARMA20 to get 10% discount. She is taking a course on medieval history and ancient history. You can also join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, for class updates and notes. And also the presentation ka jo agar aapko PDF chahiye to wo bhi aapko mil jayegi ispe. Let's begin. So the cropping patterns and major crops of India, the 2/3 of India's population is engaged in agricultural activities. Also, employment mein agriculture sector sabse zyada employment deta hai India mein. So it is primary activity which produces food grains and raw materials for industries. India is a geographically vast country, so it has various food and non-food crops. So jitni geographically vast hamari country hai, hamare kafi crops hote hain jo food crops hote hain ya non-food crops hote hain, jo ki various seasons mein ugaye jaate hain, jo ki teen seasons hai aapki rabi, kharif and zaid. To ye teen seasons hai jo hum next wale slide pe padhenge. तो मेजर क्रॉप्स जो इंडिया की हैं वो दो में क्लासिफाई की जा सकती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. तो फूड क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी हो गई, जो हम खाते हैं बेसिकली, जो हम खाने के लिए उगाते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस. तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के ऊपर मैं पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं 15 मिनट्स में पूरा दोनों क्या होते हैं और कौन सी टेम्परेचर में कितने रेनफॉल पे कब उगती हैं, कब हार्वेस्ट होती हैं, ये सारी कवर करूंगी. अभी के लिए सिर्फ हम इनके नेम्स पढ़ लेते हैं. कैश क्रॉप्स में आपकी शुगर केन हो गई, जो आप बिजनेस पर्पसेस से उगाते हो, ऑयल सीड्स हो गई, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट. तो ये वाले क्रॉप्स आपके फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स हो गए. सो मेजर सीजन्स क्या है इंडिया में, राबी, खारिफ एंड जैद. तो जो राबी सीजन है, इसकी जो सोइंग होती है तो वो होती है अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है, जैसे कि, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल और जून में, जैसे कि जो बैसाखी वाला टाइम होता है जब फसल कटती है, तो वो राबी की फसलें उस टाइम पे कटती हैं और इसको मतलब बोया जाता है, बुआई होती है इसकी अक्टूबर से दिसंबर में. व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ऐसे वाले क्रॉप्स होते हैं. स्टेट्स जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा उगाई जाती हैं, या इस टाइम पीरियड पे इन स्टेट्स में ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं. खारिफ सीजन जो है आपका, वो जून जुलाई में सोइंग होती है उसकी, लाइक जून जुलाई विच इज़ अभी के टाइम पे उनको हम बुआई करते हैं, एंड देन हार्वेस्ट उन्हें किया जाता है सेप्टेम्बर अक्टूबर में. फसल कटती है आपकी सेप्टेम्बर या अक्टूबर में. इसमें आ गई आपकी क्रॉप्स आ गई राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन एक्सेट्रा. तो ये वाली आपकी खारिफ क्रॉप्स हो गई. और ये किन स्टेट्स में उगती हैं, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. जैद, अब जैद सीजन जो होता है ना, वो राबी और खारिफ के बीच का सीजन होता है. इट इज सोन इन लाइक मार्च एंड सोन एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड जुलाई, मतलब इनके बीच में ही इनकी बुआई हो जाती है और कटाई हो जाती है, ठीक है. और ये राबी और खारिफ के बीच का सीजन है. सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर क्रॉप्स हो गए, ये वाली चीजें जो है आपकी जैद के सीजन में उगाई जाती है, और मोस्टली नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ये होती है. तो फॉडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो आपके एनिमल्स के लिए प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कि जो जो आप बेसिकली अपने कैटल स्टॉक या रैबिट्स, शीप्स, हॉर्सेस, इन सबको खुद खिलाने के लिए उगाते हो, वो चीज़ें आपकी फॉडर क्रॉप्स आती हैं, ठीक है. अब पढ़ते हैं कि व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स. तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो मीनिंग क्या है लैंड रिफॉर्म का, लैंड आपकी रिफॉर्म हो गई. अब रिफॉर्म जो है कि ये ब्रॉड टर्म है, ये कब हुआ था, जब आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जमींदारी के काफ़ी चक्कर में किसान पिस जा रहा था, काफ़ी जो ओनरशिप थी वो बहुत ही कम लोगों के हाथ में थी, ठीक है, और ज़्यादा लोग उनमें बहुत ज़्यादा लोन्स के चक्कर में, और लैंड उनकी नहीं होती थी जिसपे वो खेती करते थे, और कभी चुकते ही नहीं होते थे उनके वो लोन प्रिंसिपल का, डेट का, इंटरेस्ट का, बहुत लंबा सा विशियस सर्कल में वो फंसे हुए होते थे. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान की अच्छे होने के लिए लैंड रिफॉर्म्स आए थे, और इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशनल मेजर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ ओनरशिप, टेनेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड.
मेजर्स जो एग्जिस्टिंग पैटर्न या ओनरशिप, किसकी ओनरशिप है, कौन टेनेंट है, कैसी टेनेंसी रिफॉर्म्स हुई, कैसे मैनेजमेंट ऑफ लैंड होगा, जो ये इंस्टीट्यूशनल मेजर्स थे ये लैंड रिफॉर्म्स के अंडर लिए गए थे. सो इट इंटेल्स रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किए गए राइट्स ऑफ ओनरशिप, या कि यूज करना जो लार्ज लैंड ओनर्स है, जिनके पास, जो जमींदार हैं या जिनके पास काफी लैंड है जिस जो वो ओन करते हैं, तो उसको वो कैसे किस रेट पे टेनेंट को दें, एंड इन फेवर ऑफ कल्टिवेटर्स विथ लिमिटेड और नो लैंड होल्डिंग्स. तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली जिनके पास ज्यादा लैंड है उनसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके उन कल्टिवेटर्स को जिनके पास बहुत कम जमीन है या ना के बराबर जमीन है उनके हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ओनरशिप का. ठीक है, ये था आपका लैंड रिफॉर्म्स. दस इन ब्रॉड सेंस लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. सो इट इंक्लूड्स मेजर्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रेगुलेशन ऑफ रेंट, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ टेनेंसी, कि ऐसा ना हो कि जो ओनर है वो मतलब सामने वाले को, जो कल्टिवेटर्स हैं उन्हें कुछ फायदा ही ना होने दे. तो फिर ऐसे नहीं हो, इसके लिए अच्छी बेटर कंडीशंस ऑफ टेनेंसी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड सो ऑन. ये सारी चीजें आपकी सब कुछ जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आती है. नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स? तो लैंड रिफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम मूवमेंट सिंस द agrarian structure that we inherited from the British at the time of independence was of feudalistic exploitative character. तो कितना exploit था, बिकॉज फ्यूडलिस्टिक का क्या मतलब है, जब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लैंड की ओनरशिप और ड्यूटीज जो थी वो सारी की सारी राजा की होती थी, जो राजा है उसी की सारी लैंड है, चाहे उसके ऊपर कितना ही, तो उसी का एक अधिकार होता था. तो उसी के हिसाब से जमींदार, इंटरमीडियरीज और मनी लेंडर्स, इनने काफी रोल प्ले किया एक्सप्लॉइट करने में हमारे फार्मर्स को. सो द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पैकेज एज आइडेंटिफाइड इन द 8th प्लान के हिसाब से हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स के थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अग्रेरियन रिलेशंस टू अचीव एन इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर. व्हाट इज इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर गाइस? तो इगैलिटेरियन का मतलब है कि हम बिलीव करते हैं या हम इस प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं कि सभी लोग बराबर हैं और उन्हें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए. ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ द लैंड टू द टिलर. लैंड टू द टिलर का क्या मतलब है? तो यहाँ पे टेलर से आपका मतलब है वो फार्मर जो आपकी लैंड पे उपजा रहा है या वो मशीन्स जो यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा रेफरेंस फार्मर्स की तरफ ही था कि जो कल्टीवेटर हैं, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके हिसाब पे उनके ऊपर उनको भी जमीन मिलना चाहिए, तो एक्चुअलाइज कर पाए इस गोल को. ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस, उन्हें ज्यादा लैंड के मालिक बना करके उनकी सोशियो इकोनॉमिक हालात सही करना, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फैसिलिटेटिंग लैंड बेस्ड development of rural poor, infusion of a great measure of equality in local institutions. तो हर जगह equality की बात हो रही है, उन्हें better करने की बात हो रही है, तो basically growth और social justice, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यही दो main objectives थे कि growth हो सके और social justice हो सके, ये जो थे ये basic objectives थे land reforms के. अब कौन से measures लिए गए थे land reforms के? द कम्प्रेहेंसिव लैंड रिफॉर्म पॉलिसी दैट इवॉल्व सो फार आफ्टर इंडिपेंडेंस कंसिस्टेड ऑफ चार चीजें, चार मेजर्स की गई थी. सबसे पहले तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट्स एंड टेनेंट, स्टेट्स एंड टेनेंट्स के बीच में जो बिचौलिए थे उनको हटाया गया. टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए थे, टेनेंसी के अंदर रिफॉर्म्स क्या हुए थे, सिक्योरिटी मिली थी टेनेंट्स को. टेनेंट्स आपके वो हो गए जिनको, जिन्होंने रेंट पे सामान लिया है. ठीक है, तो टेनेंट्स आपके वो हो गए, बेसिकली टेनेंट्स यहाँ पे हो गए आपके किराएदार. रैशनलाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स ऑन द टेनेंट्स. तो ये तीन आपके टेनेंसी के रिफॉर्म्स हुए थे. देन फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि आप मैक्सिमम कितनी लैंड होल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर एक लिमिट फिक्स की गई थी. एंड देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का क्या मतलब है कि फ्रेगमेंटेड और सब डिवाइडेड जो हमारी लैंड होल्डिंग्स थी उन सबको मिला करके एक बड़ी लैंड होल्डिंग करना. अब देखो कंसोलिडेट करने का क्या मतलब कि सब लोग जो ओनर्स थे वो सबके पास छोटा छोटा हिस्सा था, तो इसलिए हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो अनरेम्यूनरेटिव थी, लेकिन कंसोलिडेट करने की वजह से हमारी एफिशिएंसी बूस्ट हुई और इकोनॉमी में इंडिया की एग्रीकल्चर से अच्छा आउटपुट आने लग गया. सो इसकी जो मदद से आपकी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की मदद से आपकी पंजाब, हरियाणा और यूपी की जो लैंड थी वो बहुत अच्छा लैंड रिफॉर्म का उन्हें रिजल्ट मिला. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम एग्रीकल्चरल के जो रेवोल्यूशन हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड व्हाइट. तो पहले पढ़ेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन. पहले
पहले पढ़ेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन. तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉर्मन बोरलॉग. नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो मैक्सिको के थे और ये सबसे पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ये कंसेप्ट आया था मैक्सिको में. ऑल इन द ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे पहली बार जो जिन्होंने लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन ही वॉज नॉर्मन बोरलॉग. और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में एम एस स्वामीनाथन है. ठीक है. तो इज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मेथड है बाय अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी सच एज HYB सीड्स व्हिच इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स. इन सबको यूज करके आप बेटर इंक्रीज कर सकें अपनी क्रॉप प्रोडक्शन. द ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया कमेंस्ड इन अर्ली 1960s एंड लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन especially in Haryana, Punjab and UP. तो 1960s में स्टार्ट हुआ था और जो इसकी सफलता बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी हरियाणा, पंजाब और यूपी में. और इसके चार एस्पेक्ट्स थे HYBC ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच बेसिकली मीन्स कि इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स या ऑटोमेटिक जैसे ट्रैक्टर्स या इन सब चीज़ों को एग्रीकल्चर में लेके आना. इरीगेशन, हमारी इरीगेशन काफ़ी बदल गई थी एंड इसके बारे में मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगी. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो इन चारों एस्पेक्ट्स की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन इंडिया. और इसके बाद आई थी वाइट रेवोल्यूशन. तो व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीसे कुरियन. और इसे व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था. आफ्टर विटनेसिंग द ह्यूज सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे कि आपकी इंक्रीज हुई थी प्रोडक्शन वीट और राइस की, व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 में आया था वो स्टार्टेड विद द मोटिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये मिल्क से रिलेटेड है और दुग्ध क्रांति आई इसलिए थी ताकि हम इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स बना सकें. अब व्हाइट रेवोल्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे? सबसे पहला तो क्रिएटिंग अ फ्लड ऑफ मिल्क बाय इंक्रीज प्रोडक्शन की, मतलब इतनी ज्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन हो कि आप उसे कह सकें कि दूध की बाढ़ आई है देश में, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन फ्लड भी था. इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और इसकी के चलते आप रूरल पॉपुलेशन की इनकम बढ़ा सकें. प्रोवाइडिंग मिल्क एट फेयर एंड रीजनेबल रेट टू द कंज्यूमर्स. तो तीन बेसिक हमारी ऑब्जेक्टिव थी. सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें मिल्क की, दूसरी की उसी की वजह से इनकम जो है रूरल पॉपुलेशन की वो इंक्रीज हो, और तीसरी की इस जैसे इनकम रूरल पॉपुलेशन की अच्छी हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि रीजनेबल रेट्स पे वो कंज्यूमर्स को मिले. तो ये थे ऑब्जेक्ट्स. अमूल जो थी इसका इंजन थी ऑपरेशन फ्लड का. और इनफैक्ट अमूल इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, मतलब जो कि मिल्क से रिलेटेड है. सो इट वॉज लॉन्च इन थ्री फेजेस. पहला फेज था 1917 से 1980 जिसका सबसे एक एम ये था ताकि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इम्प्रूव कर सकें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में. आप देखेंगे कि अमूल की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो गर्ल जो है उसकी ब्यूटिफुल सी वो हर एक एड में जो भी चल रहा होता है, मतलब न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम्स आती है और जो भी करंटली चल रहा होता है उसके बारे में आती है. ठीक है. तो उनका था कि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो पहला एम था वो था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो अच्छी कर सके. 81 से 85 तक 5 साल तक आपका दूसरा फेज चला था. इसमें था कि मार्केट इंक्रीज की जा सके, मिल्क शेड बढ़ाए जा सके, सेल इंक्रीज की जा सके और डेरीज जो है वो फ्लरिश करें. और फिर जो तीसरा स्टेज था या तीसरा फेज था, इस टाइम तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी वाइट रेवोल्यूशन, काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी थी. तो इट हैपेंड फ्रॉम 1985 to 1896. इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई. फिनिशिंग टच का ये लास्ट आपका फेज था जिसमें आपकी स्ट्रेंथन हो पाई और इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मार्केट्स को एक्सेस किया गया. नाउ नेक्स्ट is our blue revolution. Blue revolution is all about fishing या fisheries sectors. It is related to fishing. और इसके फादर थे हीरालाल चौधरी. नील क्रांति मिशन ये लॉन्च कब हुआ था? 1985 से 1990 में ड्यूरिंग द 7th 5-year plan. ठीक है. ब्लू रेवोल्यूशन इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द एक्वा कल्चर इंडस्ट्री. तो ये सारा जो मटेरियल है आपका ये मैंने ब्लू रेवोल्यूशन की, मतलब एग्रीकल्चर एक्वा कल्चर इंडस्ट्री की वेबसाइट से उठाया जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है. नाउ द ब्लू रेवोल्यूशन विद इट्स मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी फोकसेस मेनली ऑन इंक्रीजिंग फिशरीज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वा कल्चर एंड फिशिंग रिसोर्सेज बोथ इनलैंड एंड मरीन. तो दोनों केसेस में हमारी फिशरीज से एक्वा कल्चर से कितनी हमारी बढ़ सकती थी
मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज उनकी तरफ फोकस किया गया। अब ब्लू रेवोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल मैनर फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। तो फिश प्रोडक्शन बढ़े तो बढ़े, ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल मैनर में होनी चाहिए ताकि इकोनॉमी हमारी प्रोस्पर करे, आगे प्रोस्पैरिटी हो, ठीक है। उसके बाद टू मॉडर्नाइज द फिशरीज विद स्पेशल फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की मदद से, न्यू टेक्निक्स की मदद से फिशरीज को मॉडर्नाइज किया जा सके। टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्पावर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फार्मर्स। तो ऐसा तरीके से डेवलपमेंट हो कि जब अगर देश बढ़े तो वो भी बढ़े, तो उन्हें इंक्लूड किया जाए डेवलपमेंट में, ठीक है, और एम्पावर किया जा सके फिशरीज को और जो भी एक्वाकल्चर के फार्मर्स हैं उन्हें। टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वॉज वन मोर ऑब्जेक्टिव, और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो ये तो हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन का एक ही ऑब्जेक्टिव भी था। नाउ कमिंग टू द येलो रेवोल्यूशन, तो इसके जो फादर थे वो थे सैम पिट्रोडा एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1986 से 87, एक साल का ही था ये, सेवेंथ प्लान में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। तो येलो में आपकी जो बात की गई थी, जो मेजर प्रोडक्ट जिसके बारे में बात हो रही थी, वो थी ऑयल सीड्स के बारे में, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, स्पेशली मस्टर्ड एंड सेसमी सीड्स। टू अचीव सेल्फ रिलायंस इज नोन एज येलो रेवोल्यूशन। इसके जो थे, इस येलो रेवोल्यूशन के अंडर 9 ऑयल सीड्स के ऊपर ध्यान दिया गया था, नेमली कैस्टर, ग्राउंडनट, सेसमे, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, सनफ्लावर, नाइजर एंड लिनसीड। तो ये 9 ऑयल सीड्स थी जिनकी प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया था येलो रेवोल्यूशन के अंडर में। एंड इट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजिकल मिशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ऑयल सीड क्रॉप्स को बेहतर करने के लिए ऑयल सीड टेक्नोलॉजिकल मिशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हम जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। So let us end this class on a very positive note. Thank you so much for attending this session, guys. Never stop learning, never stop trying, never stop believing, never give up. Your day will come for sure. Till then, happy learning.